बालक आओ, तुम्हारी वजह से कृष्णा का पता चला है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। मारने तक पहुँचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। कब तक बचेगा तू मुझसे? साहस, अब तू नहीं बचेगा। अब तो नहीं बचेगा कृष्णा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जैसे तेरी इच्छा नेत्रासुर। मैं लौट के आऊंगा कृष्णा। काना, ये और कितनी बार लौट कर आएगा? इसका उत्तर तो सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, और वो है महादेव। हे भोलेनाथ, आपके इस सखा को आपकी आवश्यकता है, कृपया प्रकट हो। इस विपदा की घड़ी में आपका स्मरण सुना हो आया। अब आप ही बता सकते हैं कि ये भयानक असुर कौन है और हम पर बार बार आक्रमण क्यों कर रहा है। मेरा तो इससे कोई भय ही नहीं। कृष्णा, ये नेत्रासुर का जन्म भस्मासुर के अंश से ही हुआ है। भस्मासुर? काना, ये तो वही असुर है ना जिसकी कथा तुम मुझे सुना रहे थे, किंतु वो कथा अभी तक तुमने पूर्ण नहीं की। बताओ ना काना, भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? विवेकहीन भस्मासुर, मेरे दिए हुए वरदानों का गलत उपयोग करके मुझे मारकर देवी पार्वती को छल से पाना चाहता था। उसके इस अपराध का दंड मैं स्वयं नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मेरा अनन्य भक्त था और इसी कारणवश मुझे प्रभु विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। प्रणाम श्री विष्णु। हमें आपकी समस्या का भान है भोलेनाथ। आपके भक्त के विनाश का कारण
उसका ये स्त्री मोह ही बनेगा। क्या हुआ काना? भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। सुंदर, अति सुंदर, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। कौन हो तुम देवी? मेरा मन तुम्हें देखकर अधीर हो उठा है। तुम्हें पाने के लिए आतुर हो गया हूँ मैं। तो ये कोई विचित्र बात तो नहीं? मुझे देखकर तो कितने महापुरुषों का हृदय डोल चुका है असुरराज। परंतु मुझे पाना इतना सरल नहीं है। मुझे तो केवल वही पा सकता है जिसमें मेरी ही तरह नृत्य करने की कुशलता हो। बस इतनी सी बात? तुम्हें पाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तैयार हो जाओ असुरराज। ये क्या किया तुमने? ये चले, मैं प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा। नारायण। ऐसे मरा था वो भस्मासुर। किंतु ये तो बताओ, भस्मासुर का नेत्रासुर से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। गुरुदेव, देखिए मैं क्या लाया। भस्मासुर की अस्थियां अवशेष लीजिए। अब शीघ्र कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जिससे मुझे बहुत अधिक लाभ हो। अति शीघ्रता से कुछ लाभ नहीं होगा कंस। मुझे भस्मासुर को पुनर्जीवित करने के लिए संपूर्ण रात्रि एक अनुष्ठान करना होगा। तो कीजिए ना, शीघ्र कीजिए। ज्ञात है आपको वो जो साधु ज्ञानेंद्र के साथ संघर्ष करके ये अस्थियां लेकर आया मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ पहुंचेगा। तो रोको उसे। पूर्ण आहुति से पूर्व इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम भस्मासुर को जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। आप केवल अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए, उसे तो मैं कैसे भी करके रोक लूंगा। फेरो, ये कंस का मथुरा है। यहाँ कंस का एक छत्र राज्य चलता है। भली भांति ज्ञात होगा तुझे कि यहाँ पर हरि भक्तों को आना निषेध है। और रही बात वो भस्मासुर की अस्थियों की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। उसका कितना लाभ उठाना है ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ से आए हो चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? मैं तुम्हारी मंशा भली भांति जानता हूँ कंस। भस्मासुर को फिर से जीवित नहीं होने दूंगा। मुझे उसके अवशेष लौटा दे दुष्ट। Yes!
प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। भस्मासुर के अवशेषों से जन्मा असुर नेत्रासुर। हाँ, मैं उसी भस्मासुर का अंश हूँ जिसे शिव ने वरदान दिया था, और उसी भस्मासुर की भांति मैं अपने हाथों से किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। देखना चाहोगे मेरी शक्तियाँ तो देखो। और भी बहुत कुछ कर सकता हूं महाराज कंस। देख रहे हैं आप कैसे मैंने इन सैनिकों को सूक्ष्म बना दिया। साधो, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये इसी रूप में रहेंगे। इन्हें मैं ही इनके वास्तविक स्वरूप में ला सकता हूँ। मुझे तो आरंभ से ही संदेह था कि हो ना हो इसमें मामा कंस का ही हाथ है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। काना, शिवजी ने तो उसे मारने का उपाय बताया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? गुरुदेव, कब आएगा नेत्रासुर? कब आके मुझे कृष्णा के मृत्यु का शुभ समाचार देगा? सोचिए ना, जब अपनी मधुर वाणी से कहेगा कि कृष्णा मारा गया। कृष्णा का क्या हुआ? महाराज कंस, वो बालक तो बड़ा ही मायावी निकला। अरे मूर्ख, तुझे जिसे मारने भेजा था वो तो तुझसे हुआ नहीं, और हमें यहाँ कष्ट देने चला आया। अब मैं स्वयं तुझे दंडित करूंगा और तुझे ही छोटा बना दूंगा। ना 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 ना, ना गुरुदेव, युक्ति आई है मेरे मस्तिष्क में, इसके लिए इसका होना बहुत अति आवश्यक है। और तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम कृष्णा को एकदम सरलता से मार पाओ। बापू विश्वास कीजिए, प्रेमा ही वो लड़की है जो हमारे घर का भाग्य बदल सकती है। पढ़ाओ तबला और क्या करने के लिए निर्लज्ज। शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक स्वयं वो महात्मा नहीं कहते मैं तेरा क्या नहीं करूंगा। जाओ यक्ष कुमार, अब सूर्य की मार की बाधा तुम्हें ही दूर करनी है। जो आज्ञा प्रभु। अलक निरंजन।
महात्मन, मैं आप ही का स्मरण कर रहा था। आइए महात्मन, बैठिए। अब तो तुम बहुत प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। आपको कैसे पता गुरुजी? अभी अभी देखा। अरे मूर्ख, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से मैंने अभी अभी देखा और साथ में यह भी देखा कि तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी संदेह है। महात्मन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रेमा तो एक महादरिद्र की बेटी है, फिर भला वो मेरे घर का बेड़ा कैसे पार करेगी? मूर्ख, तू तो बहुत ही अधिक लोभी है। लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और तुम उसी पे संदेह कर रहे हो। ये वही बालिका है मूर्ख, जो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्षण मन में भाग्य बदल सकती है। उसके इस घर में आते ही इस घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई। अच्छा महात्मन, फिर प्रेमा और सूर्या का रिश्ता पक्का? अलग निरंजन। बहुत अच्छे यक्ष कुमार, बस अब एक और कार्य शेष है, उसे भी पूर्ण कर दो तो बात बन जाए। मैं सब समझ गया प्रभु, मैं बस अभी आया। तुम यहाँ नहीं सुधरोगे ना? तुम बस दूसरों को परेशान करते रहते हो। और तुमने जो किया उसका क्या? तुमने भी तो नथु पहलवान को मेरे खिलाफ भड़काया था ना? मैंने किसी को नहीं भड़काया। नथु पहलवान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और अब वो तुम्हारे घर जा रहा है तुम्हारी शिकायत करने। ये नथु पहलवान बिना इस चोर के पति में चुगली छोर मिलेगा। अरे अरे, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना? काना, वो ये सब मैंने तुम्हारा उपास बनाने के लिए किया था, पर तुम उस नथु पहलवान को मेरी शिकायत करने से मना कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। अच्छा, तो फिर पहले कहो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और तुम्हें रोज अपने हाथों का बना हुआ माखन खिलाना होगा मुझे। क्या, मैं तुम्हें कैसे माखन खिला सकती हूँ? अच्छा, तो फिर ठीक है, करने दो उस नथु पहलवान को शिकायत, मुझे क्या। अच्छा अच्छा, रुको, मुझे स्वीकार है जो तुम कहो। राधा, जल्दी आओ। काना, अब मुझे जाना होगा, मेरी सखियां मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। काना ने कहा था कि एक पहर बाद तुम्हें मुक्त कर दूं। तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हुआ मित्र? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? कल रात्रि मेरे घर में चोरी हो गई, सारी स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण सब चले गए। राज, कल रात्रि मेरे घर भी चोरी हुई। हाँ नंदराज, कल रात को मेरे घर में भी चोरी हुई है। एक ही रात्रि में इतने घरों में चोरी, ये कैसे संभव है?